देखिए, अगर आपको अपना पैन कार्ड बनाना है पर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब कि ओटीपी नहीं आ पाएगा, तो भी आप ऑनलाइन पैन कार्ड बना सकते हो। कैसे? फिंगरप्रिंट के थ्रू। आपको अपने अंगूठे का या फिर उंगलियों का निशान देना पड़ेगा और उससे आपका पैन कार्ड बन जाएगा बिना किसी ओटीपी के। ठीक है, किस तरीके से बनाना है पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना। छोटी सी वीडियो है, बहुत सिंपल तरीका है। क्या करना है आपको, सिंपल से सबसे पहले अपने सीएससी को लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सर्च में लिखना है NSDL। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या आएगा। ये देखिए, एक सेकेंड, ज़्यादा आगे आ गया। ये देखिए, यहाँ पर आपने लिखा NSDL, इसके बाद आ गया पैन सर्विस। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने खुलेगा ये पेज। यहाँ पर देखिए, NSDL के थ्रू आप पैन कार्ड बनाने जा रहे हो, NSDL के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन क्लिक पर क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन टाइप में करना है न्यू पैन कार्ड। ठीक है, न्यू पैन कार्ड करना है अभी। इसके बाद कैटेगरी में आएगा आपका इंडिविजुअल, नेम में आएगा आपका नाम, आधार कार्ड में जो लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ आएगी, मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर आएगा। पैन टाइप में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए या फिर ई पैन कार्ड चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, यहाँ पर क्या आएगा। ये देखिए, यहाँ पर फिजिकल के लिए फिजिकल पे क्लिक कर लेना और ई पैन कार्ड के लिए ई पैन कार्ड पे क्लिक कर लेना। इसके बाद कंसेंट देना है और सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं फटाफट। इसके बाद देखिए, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करनी पड़ेगी आपको 107 यानी कि 107 रुपये की, इसमें से 10 रुपये कमीशन और 97 रुपये आपका कट जाएगा वॉलेट से। चलिए कर लेते हैं, प्रोसीड टू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 97 आ गया, 10 रुपये कमीशन आपका, और यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए, वॉलेट पिन डाल दीजिए और पेमेंट कर दीजिए सिंपल से फटाफट। पेमेंट होने के बाद ये पेज खुलेगा, यहाँ पर प्रोसीड टू NSDL पोर्टल, इस पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको डालना है आधार कार्ड का नंबर सिंपल से। ठीक है, टाइटल में टाइटल सेलेक्ट कर देना आपका, मिस्टर या मिसेज जो भी है, नाम डाल देना। इसके बाद जेंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। पहले यहाँ क्लिक कर लेना, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम पहुँच गए इस पेज पर। यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आप अपनी मम्मी का नाम डालो तो मदर नेम के लिए यहाँ पर नो कर देना, सॉरी यस कर देना। ठीक है, मदर नेम के लिए यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना, और अगर आप चाहते हो कि फादर का नाम आए तो फादर के लिए यहाँ पर नो पर क्लिक रहने देना। ठीक है, फादर के लिए नो और मदर के लिए यस। ठीक है, इसके बाद फादर नेम डाल देना, इसके बाद फादर नेम दोबारा से, और इसके बाद यहाँ पर फादर नेम पर टिक रहने देना। ठीक है, मदर नेम चाहते हो तो मदर नेम टिक कर देना अपने हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए, इसके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर इनकम डाल देना कि आप सैलरी है आपकी या फिर बिजनेस करते हो, जो भी करते हो। अगर कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम पे क्लिक कर देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी भी आ जाएगी जो आपने शुरू में डाली थी। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है सिंपल, कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल नीचे आना है और यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपको डालना है अपना एओ कोड। ठीक है, एओ कोड के लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा स्टेट और सिटी। ठीक है, यहाँ पर इंडियन है, यहाँ पर स्टेट आएगा आपका, यहाँ पर सिटी आएगी, और यहाँ पर बहुत सारे एओ कोड आ जाएंगे, तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख लेना कि कौन सा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये एंट्री अपने आप आ जाएगी। ठीक है, चलिए। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए सब कुछ, जो भी आपने भरा था वो सब कुछ सही भरा है कि नहीं भरा। ठीक है, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि एक बार अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो वही आपके पैन कार्ड पे छप के आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल से यहाँ पर क्लिक कर देना है कन्फर्म, सॉरी यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, बाकी कन्फर्म पे क्लिक कर देना सिंपल, सब कुछ सही है तो।
इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जिसका आपको इंतजार था, ये है आपका बायोमेट्रिक बेस EKYC, ठीक है। ये वाला OTP है, यह OTP यानी कि जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो OTP के थ्रू कर सकता है, और जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है वो बायोमेट्रिक बेस EKYC कर सकता है, यानी कि अपने अंगूठे का निशान दे सकता है या फिर उंगली का निशान दे सकता है और उसकी EKYC हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, बायोमेट्रिक वाले पे इस पर क्लिक करो सिंपल, और यहाँ पर आपको डिवाइस सेलेक्ट करना है आपके पास कौन सा डिवाइस है, ठीक है। मेरे पास मंत्रा का है तो मंत्रा कर लिया। इसके बाद यहाँ पर कैप्चर क्लिक करेंगे तो आपका जो डिवाइस है उसमें लाइट जल जाएगी अपने आप, ठीक है। सबमिट करोगे ना पर आपके डिवाइस में लाइट जल जाएगी और आप कस्टमर की या फिर जिसका भी पैन कार्ड बना रहे हो उसको वहाँ पर फिंगर निशान ले लेना, ठीक है, फिंगर या अंगूठे का जो भी है। निशान लेने के बाद देखिए यहाँ पर यह पेज आएगा। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, ये आपका जो क्या कहते हैं उसको अलाउ पॉपअप कहते हैं, पॉपअप होते हैं जो, इसको अलाउ कर देना, यहाँ पर अलाउ कर देना नहीं तो पेज खुलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर अलाउ कर देना, यहाँ पर कहीं आ रहा होगा तो अलाउ कर देना इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। अगर आप अलाउ नहीं करोगे ना, यहाँ पर अलाउ आता है, यहाँ पर अलाउ नहीं करोगे तो ये पेज आएगा नहीं आपका, आप पहले अलाउ कर देना फिर रिफ्रेश कर देना तो ये पेज डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से डाल देना आधार नंबर, इसके बाद मंत्रा डिवाइस कर देना और नीचे लिखा हुआ है देखिए कैप्चर, यहाँ पर इस पर टिक कर देना पहले, इसके बाद नीचे के लिखा हुआ कैप्चर, इस पर यहाँ लिखा हुआ कैप्चर, कैप्चर पर क्लिक करोगे, ठीक है। चलिए क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए कैप्चर हो चुका है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कैप्चर हो चुका है और यहाँ पर भी आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है आपको सक्सेसफुली लिखा आ गया है, सक्सेसफुली लिखा आ गया है, ठीक है। अब सिंपली ओके कर देना यहाँ पर, चलिए क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए लिखा भी आ गया है EKYC सक्सेसफुली हो चुकी है हमारी, चलिए ओके करेंगे। और इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा सारा काम खत्म हो गया, यहाँ पर हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा आ गया है कि हमारी जो फॉर्म था, एप्लीकेशन थी, वो सक्सेसफुली हो चुकी है और हम रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और रिसिप्ट जो है वो कहाँ पर गई है, वो हमारे ईमेल आईडी पर गई है, ठीक है। ईमेल आईडी पर आपकी रिसिप्ट आ जाएगी पेमेंट की और आपके एप्लीकेशन फॉर्म की रिसिप्ट आ जाएगी। साथ ही साथ आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पर भी एक SMS गया होगा कि आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है ये है वो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपका सारा काम खत्म हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना, अब मात्र 1 या 2 घंटे में आपके इस ईमेल आईडी पर आपका पैन कार्ड आ जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर के एड्रेस पर भी आ जाएगा अगर आपने फिजिकल पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो, ठीक है दोस्तों। ये था पूरा तरीका फिंगरप्रिंट के जरिए पैन कार्ड बनाने का, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट।